मेरा भी टाइम ज़ाया होगा, तुम्हारा भी टाइम ज़ाया होगा। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तुम्हें और लैला को कमरे में आते जाते देखा जा सकता है। बिस्किट? हाँ नहीं, कहाँ है फुटेज? कौन है भाई? ये मैं हूँ। साथ कौन है? लैला। कौन सी लैला? वो जिसे एक दफा मिले थे, वो जिसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, वो लैला? क्या पूछ रहा हूँ भाई? मैंने झूठ बोला था, जानबूझ के छुपाया था, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बेजरर सी दो चार मुलाकातें हैं और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाह रहा था ये खामखा गले पड़ जाए सब कुछ, इसलिए मैंने आपसे छुपाया है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं ना, मैंने अगवा किया ना हलाक किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं ये कहां चली गई है। आखिरी दफा कब मिले थे? ये आखिरी मुलाकात थी हमारी, इसके बाद नहीं मिला हूं। असल में इस मुलाकात में हमारी थोड़ी सी तलखी हो गई तो मैंने ब्लॉक कर दिया उसे। कैसी तलखी? हो जाती है दो लोगों के दरमियान जो तलखियां, वो हो गई थी बस, तो फिर ब्लॉक कर दिया, मैंने नहीं बात की उससे। मारो भाई। इंस्पेक्टर साहब बात सुनिए मेरी, मैं एक इज्जतदार आदमी हूं। हंस क्यों रही हो? शादी शादी कहां से बीच में आ गई? नहीं, ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे, शादी तो करनी है। मेरी मंगनी हो गई है, मंगेतर है मेरा। नहीं तो ये बात मुझसे दोस्ती बढ़ाने से पहले याद नहीं आई तुम्हें? चले भूल जाएं मेरी मंगनी हुई है, मंगेतर है मेरा। पर फर्क तो देखे ना। कैसा फर्क? उम्र का फर्क। मेरी बाप की उम्र के हैं आप, आपकी बेटी मेरी दोस्त है। तो ये सब पहले याद नहीं आया जब मेरे साथ घूमती फिरती रही हो, खाने खाती रही हो, होटलों के कमरे में आती रही हो, तब याद नहीं आया ये सब? रही ना वही छोटी सोच, जरा सा हंस के बात क्या कर ली, घूम फिर क्या लिए गाड़ी में, जरा सा फन क्या कर लिया। आपने तो शादी के सपने ही सजाने शुरू कर दिए। आप जैसे 20 आगे पीछे मेरे घूमते हैं, सबसे शादी कर लूं? बेवकूफ बनाती रही हो तुम मुझे। मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया। आप जैसे अधीर उम्र के आदमी ना, मुझ जैसी जवान लड़की को देख के खुद ब खुद बेवकूफ बन जाते हैं। अब मैं जा रही हूं अपने मंगेतर के पास, मुझे फोन ना करना, शादी होने लगी है मेरी तो ड्रामा नहीं चाहिए मुझे कोई, समझ आई है?